राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर स्कूलें शुरू रखने वाले दिग्रस शहर के विभिन्न स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ एनबीसी न्यूज चैनल ने हाल ही में खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद गट शिक्षण अधिकारी ने परिपत्र जारी किया। ऐसे में सोमवार को स्कूल प्रबंधनों के हाथ परिपत्र लगते ही उन्हें फिर से स्कूलें बंद करनी पड़ी। आगामी 30 जून से पहले अब स्कूलें शुरू नहीं होगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आगामी 30 जून के पहले स्कूलें शुरू न करने के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा आदेश हाल ही में निर्गमित किए गए थे। बावजूद इसके कई जगहों पर कई स्कूल प्रबंधन इस आदेश को ठेंगा बताते हुए मनमाने तरीके से स्कूलें शुरू रख रहे थे। मालूम हो कि राज्य भर में और खासतौर से विदर्भ में बेतहाशा गर्मी के चलते स्कूलें बंद रखने के संदर्भ में पहले ही सूचनाएं जारी की जा चुकी है। इस बारे में एनबीसी न्यूज चैनल ने यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में स्कूल प्रबंधनों के अड़ियल रवैये और नियमों का उल्लंघन कर स्कूलें शुरू रखने वाली स्कूलों के संदर्भ में 15 जून गुरुवार को न सिर्फ खबर जारी की, बल्कि दिग्रस तहसील कार्यालय में 16 जून शुक्रवार को पालक मंत्री संजय राठौड़ द्वारा आयोजित महाराजस्व अभियान के समाधान शिविर में इसकी शिकायत दर्ज की। इसके साथ ही दिग्रस गट शिक्षणाधिकारी कार्यालय को भी इस विषय से अवगत कराया, जिसके बाद संबंधित विभाग ने हरकत में आते हुए इस संबंध में जारी हुई खबर को संज्ञान में लेकर 16 जून शुक्रवार को तहसील की सभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को दिग्रस तहसील के गट शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार ने तत्काल रूप से परिपत्रक जारी करते हुए आगामी 30 जून 2023 के पहले विद्यार्थियों को स्कूलों में नहीं बुलाने का आदेश निर्गमित किया है। नमस्कार, मैं गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम शरीफ है। यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट के आर्डर्स मिलने की वजह से हम लोग स्कूल 1 जुलाई से ओपन करने वाले है। आज के दिन जो डेट दिया गया था बच्चों को सिर्फ बुक्स वगैरह लेने के लिए बुलाया गया था और इमीडिएटली उनको वापस भेज दिए है। और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हमारा स्कूल शुरू होगा 1 जुलाई से। थैंक यू। काल रात्री शिक्षण विभागाकडून जो आदेश प्राप्त झाला होता त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या मुलांना शाळेमध्ये बोलवून पुन्हा त्यांच्याकडे स्टडी मटेरियल आणि जे शिक्षण विभागाकडून शासनाची एक प्रत जारी झाली होती ती प्रत आम्ही त्यांना दिली। ते देण्यामागचे कारण एवढेच होते की बऱ्याच पालकांमध्ये संभ्रम होता की शाळा चालू होणार कधी होणार की बंद राहणार, ती तो संभ्रम दूर करण्याकरता आम्ही पालकांना त्या जेआरच्या प्रती दिल्या आणि आज पुन्हा शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी पाठवून शाळा बंद ठेवली। शाळा चालू करण्याच्या आमची जे गव्हर्नमेंटचे रूल्स आहेत त्याच्यानुसार आम्ही 1 जुलैपासून शाळा पुन्हा चालू करणार आहोत। मी नितीन राऊत, मुख्याध्यापक विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल दिग्रस। शासनाचा निर्णय काल आम्हाला रात्री प्राप्त झाला। माननीय श्री नितीश कोंडा साहेबांनी आपल्या या पुन्हा जो जी आर आहे तो आपल्या ग्रुपवर टाकून आम्हाला माहिती कळवली। त्या तारखेनुसार आम्ही शाळा 30 जूनला सुरू करणार आहोत आणि भविष्यामध्ये जे काही थोडस फार मुलांच्या वेळेमुळे जो काळ सोबत चाललेला आहे तो भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पुढे काही दिवस एक्स्ट्रा क्लास घेऊन त्याला पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू व मुलांचं शैक्षणिक नुकसान न होऊ देण्याची ती जबाबदारी आम्ही घेऊ व शाळा ही 30 जूनला चालू होईल असं अंतर्गत आम्ही जाहीर करतो। मायसेल्फ नितीन मधुकर निम्मलवार फ्रॉम मॉन्टर क्लब दिग्रस। दिस सेशन 2023-24 ऑलरेडी वी हॅव गॉट गव्हर्नमेंट सर्क्युलर्स अँड अवर स्कूल ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्ह टू रिओपन द स्कूल बाय द गव्हर्नमेंट रूल्स अँड रेग्युलेशन अँड दिस सेशन ऑल्सो वी आर गोईंग टू रिओपन फ्रॉम 30th of June ऑफ दिस सेशन। बहरहाल शहर में कई दिनों से अभिभावकों में अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने या नहीं भेजने को लेकर जो भ्रम था वो आखिरकार सोमवार को खत्म हुआ। एनबीसी न्यूज की खबर और गट शिक्षणाधिकारी द्वारा तत्काल रूप से जारी हुए परिपत्रक के बाद कोई भी स्कूल 30 जून के पहले नहीं शुरू होगी, अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।